हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने घरों में ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ रीजनिंग की थर्ड क्लास, कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है बच्चों, और इसमें मैं पहले आपको वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो मैंने टाइप फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक या तो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, और एक क्वेश्चन ये था जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी क्वेश्चन में। आज वो मैं क्वेश्चन दोबारा करा दे रहा हूँ बच्चों आप लोगों को। ठीक है, इसी से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है ना। उसके बाद मैंने तीन क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे टाइप फर्स्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। और सारे ही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला सीपीओ में आया हुआ है, ये वाला आपका सीजीएल में आया हुआ है, और ये दोनों आपके आए हुए हैं उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, पहले इन्हीं को करा देते हैं बच्चों, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग की क्लास थर्ड है बच्चों ये आज आपकी, ठीक है। अब ये देखिए, एल का कोड 12 है सर, ये रहा 12। आई का कोड कितना होता है सर? आई का कोड, ये आई का कोड 3 कोड किया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे ई का 2 किया हुआ है, यू का 5, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, 20 किया हुआ, 2 किया हुआ है, एन का 14 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14, टी का 20। अब एक चीज़ देखिए बच्चों, इसमें इस वाले क्वेश्चन में कुछ अल्फ़ाबेट्स का ओरिजिनल कोड दिया हुआ है और कुछ अल्फ़ाबेट्स को किसी नंबर से डिनोट किया हुआ है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नाइन होता है वैसे आई का, ठीक है ना, नाइन की जगह 3 लिख दिया इन्होंने। कभी भी जब अल्फ़ाबेट के क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ी दिखाई दे या फिर कुछ ना कुछ आपको कोड इधर उधर दिखाई दे, तो आप ध्यान देना सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है अल्फ़ाबेट के, वो आता है वोवल्स और कॉन्सोनेंट का, ठीक है बच्चों। तो इसमें वोवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है बच्चों। वोवल्स को इन्होंने कोडेड किया हुआ है सीक्वेंसली नंबर से, कैसे? ए का 1 किया हुआ है, ई का 2, आई का 3, यू, ओ, यू, ये किया हुआ है बच्चों इन्होंने। देख लीजिए, एल का ओरिजिनल कोड 12 होता है, यस सर। आई का ओरिजिनल कोड 9 होता है सर, लेकिन इन्होंने कितना किया हुआ है? 3। क्यों? क्योंकि वोवल्स को इन्होंने सीक्वेंसली कोडेड कर दिया, ए ई आई 1 2 3, ये रहा। ई का 2 किया हुआ है, यू का 5 किया हुआ है, ई का 2, ए का 1, ठीक है, सेम वही किया हुआ है इन्होंने। अब यहाँ पे एम ए एन जी ओ, एम का कितना होता है बच्चों? 13। ए क्या है सर? ए वोवल है, और वोवल को इस क्वेश्चन में 1 से डिनोट किया हुआ है। फिर आएगा आपका 1, एन 14, वोवल नहीं है, एन एज इट इज़ रहेगा। जी, जी भी वोवल नहीं है, वो भी ओरिजिनल रहेगा, 7। ओ, ओ वोवल होता है, और ओ का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने 4, तो ये हो जाएगा 4। यही आपका आंसर। इसमें जो आपके अल्फ़ाबेट हैं वोवल्स को छोड़ के, सभी अल्फ़ाबेट को ओरिजिनल नंबर से कोड किया हुआ है, और जो वोवल हैं उनको, ए ई आई ओ यू वोवल हैं उनको 1 2 3 4 5 से कोड किया हुआ है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट था बच्चों, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अप्रोच को लिखा हुआ है सी एच ओ ए आर पी, सर ये वाले सारे अल्फ़ाबेट यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। ए से 3 बना 2 ऐड करके, 16 से यहाँ पे 18 बनना चाहिए था, नहीं बना। ए से बना 16, 15 ऐड करके, एच में 15 ऐड होने चाहिए, नहीं बना। फिर कैसे बना? जब दिए गए प्रश्न के सभी अल्फ़ाबेट, पूछे गए प्रश्न के सभी अल्फ़ाबेट दिए गए प्रश्न में मौजूद हों, ठीक है। कैसे सर? टी ये रहा, ए ये रहा, ठीक है, उसके बाद पी ये रहा, ए ये रहा, ओ ये रहा, सी सेकंड लास्ट, एच, ठीक है। सेम इसी तरीके से ऐसे कर लेंगे, ये बनेगा सेकंड नंबर का टी, ये बनेगा फर्स्ट नंबर का सी, ये बनेगा सेकंड लास्ट आर, ई बनेगा आपका लास्ट, ठीक है, आई। अब ये बचे आपके 4,
ठीक है, बस ये चार बचे हैं अब आपके, इनको कर लीजिए। अब आप इनको कैसे किया हुआ है, पहले दो कैसे किए हुए, पी पी, ये वाला पी, हाँ ये वाला पी, ये रहा, ये आएगा आपका एस यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, ये वाला आई आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये वाला आर यहाँ पे, और ये टी यहाँ पे, आपका यही आंसर। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखिए, U21 16 4, सबके मैंने ओरिजिनल नंबर लिखे हुए यहाँ पे। अब इससे इसको इसको ये बोला गया है, इनको ये बोला गया है, तो इसका कोड पूछा है आपसे, ये पूछा है, ठीक है। अब आप देखिए 21 से 6 को रिलेट कर सकते हैं, नहीं सर यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि 16 और 18 को रिलेट करने में केवल 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा का है, यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा का है, तो क्या करेंगे सर, सर इसमें हम ट्रिक ढूंढेंगे कैसी, देखिए 21 में यदि मैं 2 जोड़ दूँ तो 23 आएगा, यस सर। 4 में यदि 2 जोड़ूँ तो 2 आएगा, यस सर। 16 में यदि मैं 2 ऐड करूँ तो 2 आएगा, तो यानी कि पहले 3 अल्फ़ाबेट में क्रॉस करके 2 ऐड किए हुए हैं, बाद के 3 अल्फ़ाबेट में क्या किया हुआ है सर, E का 5 होता है, 5 में से 2 गए 3, A का 1 होता है, 1 में से 2 गए 25 बचेगा, क्योंकि सर्कुलर अल्फ़ाबेट आ जाएगी, ठीक है। 18 में से 2 गया, 20 में से 2 गया 18, ये रहा पहले 3 अल्फ़ाबेट का क्रॉस करके प्लस 2, बाद के 3 अल्फ़ाबेट का क्रॉस करके माइनस 2, ठीक है। सेम हेयर जी एच आई, ये रहा प्लस 2 क्रॉस माइनस 2, इसी तरीके से तीन तीन का पेयर बना लीजिए, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे माइनस 2, ठीक है। ई एफ जी एल एम एन बी सी डी, ठीक है, और एन से 2 पहले, ठीक है ना, ये हो जाएगा बी सी डी, ठीक है ना, डब्लू, और ये हो जाएगा एल, ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, यहाँ पे देखिए 3 में से 1 गया 2 बचा, 8 में से 1 गया 9 बचा, 1 में से 1 गया 0, पर यहाँ पे नहीं है सर, तो इसलिए ये भी किसी तरीके से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, R अपनी जगह पे है सर, A में 2 ऐड कर दिया, C में भी 2 ऐड कर दिया, H में भी 2 ऐड कर दिया, प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे 9 में से 1+1 है बच्चों यहाँ पे, ठीक, ये और ये -1, ठीक है, +1 टी एज इट इज -1, टी आपका बच्चों एज इट इज रहेगा, ये रहा, इनमें +1 होगा, इनमें बच्चों -1, एस टी आई जे एच आई, ठीक है, यहाँ पे x आएगा आपका, q आएगा, n आएगा, यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिए थे, कुछ 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही थी हमसे ही, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है बच्चों सारे, ठीक है ना, आप कर लेना इन क्वेश्चंस को, ठीक है, आते हैं इस तरह के क्वेश्चन बच्चों, ठीक। नाउ अब हम आपका स्टार्ट करते हैं टाइप 6, टाइप 6 का नाम है बच्चों आपका चाइनीज कोडिंग, ठीक है, इसको चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं या फिर उसको बोलते हैं। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा टाइप 6 में,
जिसका नाम है मिक्सचर कोडिंग, और इसको चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसका तो कोई मतलब होता है लेफ्ट साइड का, इसका कोई मतलब नहीं होता। कई बार ये चीज़ को लेफ्ट साइड भी लिख देते हैं, तो उससे कोई रिलेट नहीं करना आपको कि प्लस है माइनस है। कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप पूरे ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, गिव का कोड बताना है आपको, गिव का, ठीक। हम इसमें कॉमन वर्ड देखिए, मैं एक तरीका बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चन का आपको। आपसे चाहे कुछ भी पूछा हो, आप सभी सभी जो वर्ड है उनका कोड बना लीजिए, तो आपसे क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। कैसे, देखिए, क्योंकि बैंकिंग में क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आता है, ठीक है। अब देखिए, गिव यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं है, योर सर यहाँ पे भी है यहाँ पे नहीं है, बुक सर बुक कॉमन है, ये रहा देखो बुक, ये रहा। अब इन दोनों में क्या कौन सा वर्ड कॉमन है, एस के नहीं है, डी जी, यस सर डी जी है। तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने एक टेबल बना लेनी है बुक, हर एक वर्ड का कोड लिख लेना है बुक। बुक का क्या कोड है बच्चों, डी जी। टिकट टिकट कोई नहीं। और अब गिव और योर का कोड क्या होगा, या तो सर एस के होगा या ए पी, इस तरीके से लिखिए आप, ध्यान दीजिएगा। गिव गिव का कोड इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आपको ऐसे लिखना है एस के या ए पी, ठीक है बच्चों। अब आप कहेंगे सर योर का कोड क्या होगा, तो योर का भी कोड ऐसे लिखा जाएगा एस के, या तो एस के या ए पी, ऑप्शन ऐसा आएगा। योर का कोड क्या है, तो उसमें लिखा जाएगा या तो एस के या ए पी, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब नीचे भी दो वर्ड है, माई और टिकट, माई का क्या होगा, इसका भी सर ऐसे ही होगा, माई का एल ई या एन बी, टिकट का क्या होगा एल ई या एन बी, ठीक है। तो ये आपकी एक कॉमन टेबल बन गई बच्चों। इस कॉमन टेबल का एक फ़ायदा है कि अब आपसे वो कुछ भी पूछ ले, किसी भी वर्ड का आपसे पूछ ले, आप इजीली बता सकते हो। किसका पूछा है सर, गिव का पूछा है, तो गिव का मेरे टेबल के अकॉर्डिंग कितना है, डी जी, यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने, ये तो एक छोटा क्वेश्चन है, मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन कराता हूँ, और एक ही क्वेश्चन से आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड चाइनीज़ कोडिंग का, जो आपके सामने है, सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है, स्माइलिंग का कोड पूछा हुआ है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके लेफ्ट साइड में ही सारे मीनिंगफुल वर्ड हों, वो किधर भी कर सकते हैं, उससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपको करना क्या है सर, एक काम कीजिए, आप हर वर्ड की कोडिंग कर लीजिए। कैसे करनी है हर वर्ड की, इधर से देखते हैं, ये वाले वर्ड थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट पड़ते हैं क्योंकि चाइनीज़ होते हैं, ये हम कर सकते हैं इजीली। कैसे, पहले जो तीनों में कॉमन वर्ड हो उसकी कोडिंग कीजिए, जैसे शी यहाँ पे भी है, इज़ यहाँ पे, शी यहाँ पे, इज़ यहाँ पे। अब आपका कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि सर लेफ्ट साइड में दो कोड का हमें पता नहीं है कि वो कैसे कोडेड किए गए हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत, सर शी यहाँ पे भी है, शी यहाँ पे भी है, इज़ यहाँ पे भी है, इज़ यहाँ पे भी है, तो सर दोनों के कोड कैसे हम कंफर्म करेंगे। जब भी आपकी ऐसी कंडीशन बने, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह के वर्डों में से एक वर्ड तीसरी लाइन में भी होगा, यानी एक और एक्स्ट्रा लाइन में होगा, जैसे कि यहाँ पे इज़, यहाँ पे भी आपका इज़ है बच्चों, यहाँ पे भी इज़ है, और यहाँ पे भी इज़ है, और कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है तीनों लाइनों में जो कॉमन है। देख लीजिए आप, शी नहीं है, ब्रेव नहीं है, इधर आके देखिए तीनों लाइनों में कौन सा वर्ड कॉमन है, सर आर ई, आर ई, और बच्चों आर ई। जो भी डायग्राम, जो भी आप फिगर में इसको बंद करेंगे यहाँ पे किसी वर्ड को, उसी में इसको करना, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि इस वाले वर्ड का ये है। अब आप एक टेबल बना लीजिए, जैसे इसका कोड क्या हो गया बच्चों आपका, ऐसे इसका कोड हो गया सर आर ई, ठीक है। आगे क्या है, शी, अब शी इजीली हो गया, ये लीजिए यहाँ ट्राइंगल से बना लीजिए इसको, शी को ट्राइंगल। इन दोनों लाइनों में और क्या है, ये नहीं है सर, निक, निक है सर, ये रहा निक, ये लो, शी का हो गया सर निक, ठीक। अब इस लाइन में केवल एक ही वर्ड बचा, ये रहा ब्रेव बचा है, शू बचा है, तो ब्रेव का हो गया ये ब्रेव, एस यू ई, पहली लाइन का काम खत्म,
दूसरी लाइन में दो वर्ड हैं, यहाँ पे दो बचे हुए हैं, यहाँ पे भी दो। ऑलवेज ऑलवेज, यस सर ये रहा ऑलवेज, ये रहा ऑलवेज। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कॉमन है, एस ओ आर, एस ओ आर। ऑलवेज का क्या हो गया बच्चों, ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, ऑलवेज का एस ओ आर। ठीक है, लाइन थ्री में एक ही वर्ड बचा है स्माइलिंग, जिसका क्या बचा, एक ही यहाँ पे बचा है स्माइलिंग, इसका हो गया सर पी आई। ठीक है, इसमें भी एक ही बचा है जेड एच आई, चेयरफुल, चेयरफुल, जेड एच आई, यही आपका कॉमन टेबल हो गया। किस चीज़ का पूछ रहा है कोड सर, स्माइलिंग का पूछ रहा है। अब चाहे आपसे किसी चीज़ का भी पूछ ले, क्या लिखा है बच्चों आपने स्माइलिंग का, पी आई, यही आपका आंसर। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजिली समझ में आ गया होगा सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आपने बताया कि एक कॉमन टेबल बना दिए हैं, तो हमने सर एक कॉमन टेबल बना के पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लिया। अब वो किसी भी वर्ड का चाहे कोड पूछ ले हमसे, तो हम ईजिली कोडेड कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं इसका हम आपको, और वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, चलिए। तो बच्चों ये है आपका चाइनीज़ कोडिंग का क्वेश्चन नंबर थ्री, जो आपका बच्चों आईबीपीएस 2016 में आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको पाँच नंबर में, पूरा एसएससी में भी आता है, पाँच क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 3 4 5, और ये क्वेश्चन आता है पूरा आपको। ठीक है, अब कैसे करेंगे सर, बस वही करना है, एक एक पूरा एक कॉमन टेबल बनाना है सर आपने। कैसे बनाना है, ये रहा सॉल्यूशन, पूरा एक कॉमन टेबल हम बना लेंगे। कैसे, फाइंड, ये रहा सर, यहाँ पे फाइंड है नहीं, यहाँ पे फाइंड है यस सर, यहाँ पे नहीं, ये रहा फाइंड। क्या इन दोनों लाइन में और भी कोई वर्ड कॉमन है, यस सर गुड, ये रहा गुड। ठीक है ना, क्या होम, नहीं सर। अब फाइंड और गुड दोनों लाइनों में कॉमन है, क्या फाइंड किसी तीसरी लाइन में भी है, नहीं सर। तो यानी कि फाइंड का और गुड का एक ही कोड होगा, ठीक है ना, अलग दो कोड होंगे और वो दोनों के बीच में स्लैश लगा हुआ होगा। ठीक है, अब देखते हैं ए, ए यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी, बाकी कुछ और कॉमन तो नहीं है फर्स्ट लाइन से, नहीं सर, स्टोर एट स्टेशन नहीं है। तो सबसे पहले आप ए का कोड लिख लीजिए, ये रहा ए, ए यहाँ पे क्या कॉमन है, डी एन नहीं, सी ओ, यस सर सी ओ, सी ओ। तो सबसे पहले आप बच्चों ए का ही कोड लिख लीजिए, सी ओ, जो कन्फर्म कोड होते हैं बच्चों पहले वो लिख लिए जाते हैं। ठीक है ना, होम, चैरिटी यहाँ पे भी है, चैरिटी यहाँ पे भी है, और कोई तो कॉमन नहीं है इनमें से, बिगन्स नहीं, एट नहीं, नहीं, ये रहा चैरिटी, चैरिटी, चैरिटी। इन दोनों लाइनों में क्या कॉमन है, आर एच नहीं, एन ए, यस सर एन ए है। तो चैरिटी का आपका हो गया बच्चों एन ए। ठीक, होम कहाँ पे है सर, ये रहा होम, दोनों में ट्राइंगल बना लीजिए, होम। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, डी एन नहीं, एच ई नहीं, आर एच, यस सर आर एच है, होम, होम का हो गया बच्चों आर एच। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड गुड लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी फाइंड और गुड लिखा हुआ है। ठीक है, अब स्टोर कहीं और कॉमन है, यस सर ये रहा स्टोर, ये रहा देखिए स्टोर, क्या कॉमन है दोनों में, इनमें डी एन नहीं, एच ई नहीं, के यू, के यू कॉमन है सर, स्टोर का हो गया बच्चों के यू। ठीक, अब फाइंड गुड, फाइंड गुड दो ही वर्ड कॉमन है, डी एन एच ई, डी एन एच ई। अब ऐसे लिखेंगे बच्चों इसको एक साथ, फाइंड और गुड, डी एन एच ई। यदि मैं आपसे पूछूं फाइंड का कोड कितना है, तो आप क्या कहेंगे, या तो डी एन या एच ई। यदि मैं आपसे गुड का कोड पूछूं, तो आप क्या कहेंगे, या तो डी एन या एच ई। ठीक है बच्चों, कॉमन कोड हो जाते हैं ये। ठीक, एट ये रहा, एट ये रहा। ठीक, सेकंड और
फोर्थ लाइन में क्या कॉमन है सर? ई के कॉमन है, ये रहा एट का हो गया बच्चों आपका ई के। ठीक, पहली लाइन में क्या बचा? बिगेंस, बिगेंस का हो गया एस ए, सॉरी दूसरी लाइन में बचा आपका बिगेंस, बिगेंस का हो गया आपका एस ए। फाइंड गुड का ऑलरेडी मिल गया, ठीक है। लास्ट लाइन में स्टेशन बचा और स्टेशन का हो गया बच्चों जेड ई। तो ये आपका एक कॉमन टेबल बन गया सभी के लिए। अब देखिए आप बहुत इजीली कर लेंगे, देखिए जेड ई का कोड क्या है बच्चों? किसका कोड है जेड ई? स्टेशन का। स्टोर का कोड क्या है बच्चों? के यू। ई के किसका कोड है बच्चों? एट का। गुड किसका कोड है? गुड का कोड या तो डी एन है या आ गया ना वही क्वेश्चन एच ई। चैरिटी का कोड कितना होगा बच्चों? सर एन ए। और हो गया आपका पाँच नंबर का क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जामिनेशन में, जो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप सिक्स का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जो नंबर बेस्ड होता है आपका, ठीक है बच्चों। अब आपको इसमें बताना है बच्चों ट्रेन का कोड, बहुत सिंपल है। दोनों लाइनों में ट्रेन ही कॉमन है, ये रहा ट्रेन कॉमन है दोनों ही लाइनों में, ट्रेन ट्रेन। अब इन दोनों लाइनों में कौन सा नंबर कॉमन है? वन वन। तो आपका आंसर हो गया बच्चों वन, यही आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों इस टाइप में आने वाले हैं आपके टाइप सिक्स में, जो आपका कहलाएगा चाइनीज़ कोडिंग, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकता यहाँ पे, क्योंकि आपका लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। फिर आप इस टाइप के चाइनीज़ कोडिंग के किसी भी बुक से क्वेश्चन करके देखना, अप्रोच आपकी सेम यही रहेगी जो मैंने आपको बताया, एक कॉमन टेबल आपको बनाना होगा, ठीक है बच्चों। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं आपका, तो बच्चों ये है आपका टाइप सेवन जिसका नाम है कंडीशनल कोडिंग। कोई कंडीशन दी होगी आपको, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, ठीक है बच्चों। और उन कंडीशन के आधार पे आपको क्वेश्चन दिए होंगे, उनके कोड निकालने हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक आपको टेबल दी हुई है, टेबल के बाद आपको दो कंडीशन दी हुई है, उन कंडीशन के बेसिस पे आपको इन तीनों ही अक्षरों के कोड बताना करेंगे। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में जो कंडीशन दी होगी ना बच्चों, इनको शॉर्ट में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे शॉर्ट में? देखो पहली कंडीशन क्या कहती है, यदि समूह का पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, स्वर होते हैं बच्चों वोवल ए ई आई ओ यू, व्यंजन स्वरों को छोड़कर। ये कह रहा है यदि कोई समूह एक्स है, एक्स मान लिया हमने, उसका पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, तो दोनों को स्टार के रूप में, तो दोनों का कोड आप स्टार बना दीजिएगा। ये एक कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है शॉर्ट में, यदि समूह का पहला अक्षर स्वर है यानी ए ई आई ओ यू और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों को डॉलर के कोड से कोडेड किया जाएगा। ये हैं दोनों कंडीशन शॉर्ट में हमने आपके सामने लिख दिए हैं। क्या है, यदि समूह का पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, तो दोनों को स्टार के रूप में, बिल्कुल दोनों का स्टार हो जाएगा यदि ये कंडीशन फॉलो करेगा। यदि ये कंडीशन फॉलो करेगा तो दोनों का बच्चों डॉलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाली स्पेलिंग, सर ये अप्लाई कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, अब देखिए समूह का पहला अक्षर आर है, आर स्वर है या व्यंजन? सर आर जो है वो व्यंजन है। समूह का अंतिम अक्षर क्या है? सर स्वर है। तो बच्चों इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? पहले व्यंजन लास्ट में स्वर, पहले व्यंजन लास्ट में स्वर। तो जब पहली कंडीशन पहले वाले में अप्लाई हो रही है, पहला और आखिरी अल्फ़ाबेट का कोड होगा स्टार। सर फिर बाकी कोड कहाँ से लिखेंगे? बाकी कोड आपकी जो टेबल दी हुई है उससे देख के लिख लेंगे। के पी आई जे, के का कितना है बच्चों? सेवन। पी का कितना है बच्चों? टू। आई का कितना है बच्चों? सिक्स। और जे का कितना है? एट। यही आपका आंसर, क्योंकि सर इसमें पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरा क्वेश्चन, एम स्वर नहीं है, फिर क्या है? व्यंजन। के क्या है बच्चों? के भी व्यंजन है। क्या कोई कंडीशन फॉलो कर रही है दोनों में से? नहीं सर, कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही। जब कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही तो बच्चों आपको कोड कहाँ से लिखना पड़ेगा पूरा? सर टेबल से। तो लिख लीजिए एम का कोड कितना है बच्चों? वन। जे का कोड कितना है? एट। के का कोड कितना है? सेवन।
पी का कोड कितना है, पी दो बार लिखा हुआ है, टू टू, और के का कोड कितना है, अभी लिखा था आपने, सेवन, यही आपका आंसर। ठीक, थर्ड वाली देख लेते हैं। थर्ड में पहला क्या है सर, स्वर है, ए जो होता है आपका स्वर होता है, और लास्ट वाला व्यंजन है। यदि पहला वाला स्वर हो और लास्ट वाला व्यंजन हो तो कौन सी कंडीशन लगेगी सर, सेकंड। क्या मतलब है उसका सर, पहले वाले अल्फ़ाबेट का भी डॉलर बना दीजिए, लास्ट वाले का भी डॉलर बना दीजिए, और बाकी सब सर ये वाले टेबल से देख के लिख लीजिए। जी जे आई पी के, जे का कितना है एट, आई का कितना है सिक्स, पी का कितना है टू, और के का कितना है बच्चों, सेवन, यही आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, कंडीशनल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और कराते हैं आपको टाइप सेवन। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन टू टाइप सेवन का, इसमें हमने आपको टेबल बना दिया है, ये क्वेश्चनों के आपको कोड बताने हैं, और जो तीनों कंडीशन है वो मैंने आपके सामने शॉर्ट में लिख दिया है। इन कंडीशंस का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहली कंडीशन क्या है, यदि समूह का पहला अंक सम संख्या है, अंतिम अंक एक प्रतीक है यानी सिंबल, तो दोनों के कोड को प्रतीक के कोड से कोडेड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरी कंडीशन है यदि समूह की पहली संख्या विषम संख्या है और अंतिम संख्या सम संख्या है तो दोनों के कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे। और तीसरी कंडीशन है यदि समूह का पहला कोड भी प्रतीक है और अंतिम अक्षर भी प्रतीक है तो दोनों के कोड को एक्स से कोडेड किया जाएगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन मैंने आपको ब्रीफ में ना बड़ा बड़ा ना लिख के छोटे में लिख दिया आपको तीनों कंडीशन। आई होप आप सभी लोगों को तीनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, अब सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो दो से कट जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं, विषम संख्या जो दो से नहीं कटती, रिमाइंडर। ठीक है ना, वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी कट जाती हैं और रिमाइंडर कितना बचता है बच्चों, ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, वे संख्याएं जो दो से नहीं कटती और रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता, ऑड नंबर कहते हैं उनको। ठीक है, यदि जीरो से पूरी दो से कट जाती हैं सम संख्याएं, दो से नहीं कटती विषम संख्याएं। ठीक है, अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। जैसे पहली वाली स्पेलिंग है, इसमें समूह का पहला यूनिट जो है वो क्या है, प्रतीक, आखिरी यूनिट क्या है, सम संख्या। क्या ऐसी कोई कंडीशन है, नहीं है। जब कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी बच्चों तो आप सारा कोड टेबल से देख के लिख लीजिएगा। ठीक है ना, पी ई एफ एच जे आर, सिक्स का कोड कितना है आर, ये मैंने सारे कोड टेबल से देख के लिख लिए। सेकंड क्या है सर, समूह का पहला यूनिट जो है विषम संख्या है, अंतिम यूनिट एक क्या है प्रतीक है। क्या कोई ऐसी कंडीशन है सर, ये भी कोई कंडीशन वाला क्वेश्चन नहीं है, ना ये वाला कंडीशन। तो इसमें भी सारे कोड आप कहाँ से देख लेंगे, टेबल से देख लेंगे, के डी एम टी ए। ठीक, थर्ड क्या है सर, समूह की पहली यूनिट जो है वो सम संख्या है, समूह की अंतिम यूनिट जो है वो प्रतीक है, तो कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है सर, पहली वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, और पहली वाली कंडीशन का मतलब क्या है, जो लास्ट वाला जो प्रतीक है ना उसका कोड तो उसके नीचे लिखा ही जाएगा, और जो पहला वाला जो चार नंबर है सम संख्या उसके नीचे भी उसी प्रतीक का कोड आ जाएगा। कैसे, ये रहा ये वाला प्रतीक, इसका कोड कितना है बच्चों, वी, और जो चार है उसका भी कोड आ जाएगा बच्चों, वी। आगे बात समझ में, जो प्रतीक का कोड है वही दोनों के नीचे आ जाएगा और बाकी सारा कोड आपका टेबल से देख के लिख लिया जाएगा। ठीक है ना, पी के एफ जे। फोर्थ क्या है, समूह का पहला यूनिट प्रतीक, लास्ट यूनिट भी प्रतीक। जब भी समूह के पहला और लास्ट यूनिट प्रतीक हो तो कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है सर, सी वाली कंडीशन। दोनों के कोड क्या हो जाएंगे सर, एक्स हो जाएंगे, पहले का भी एक्स, आखिरी वाले का भी एक्स, और बीच वाले के चार संख्याओं के कोड लिखे जाएंगे टेबल से। वन का है बच्चों आपका एफ, एट का है आपका डी, और सेवन का है आपका एम। ठीक है बच्चों, आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस समूह का पहला यूनिट जो है वो है विषम संख्या और आखिरी यूनिट जो है वो है सम संख्या। पहला यूनिट विषम संख्या, आखिरी यूनिट सम संख्या। जब भी ऐसा होगा सर दोनों के कोड बदल दिए जाएंगे। कैसे बदल दिए जाएंगे, इसका कोड तो सर यहाँ पे लिख दीजिए आप और इसका कोड यहाँ पे लिख दीजिए। तो बच्चों सिक्स का कोड कितना है ऊपर, आर, वो यहाँ आ जाएगा। नाइन का कोड कितना है, ई, वो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी वन टू फोर और इनके कोड डायरेक्टली लिखे जाएंगे। वन का एफ, टू का बच्चों आपका जे,
फोर का है आपका आई और इस वाले साइन का है आपका वी, यही आपका आंसर। इस क्वेश्चन में बच्चों कंडीशन हमने बड़ी बड़ी ना लिख के छोटी कंडीशन लिख दी थी और मैंने आपको समझा भी दिया था कंडीशन लिखी हुई कैसे आएंगी। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। इसके बाद चलते हैं आज का आखिरी टाइप और इस चैप्टर का भी लास्ट टाइप जिसका नाम है टाइप 8 बाइनरी। तो बच्चों ये है आपका टाइप 8 जिसका नाम है बाइनरी कोडिंग। और बाइनरी कोडिंग आपका मेनली जो आता है वो आता है तो बैंकिंग के एग्ज़ाम में, एक आता है आपका DSSB के एग्ज़ाम में, एक आता है UP पुलिस के SI के एग्ज़ाम में। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं बच्चों ये, और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशंस में ही आते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ भी नहीं पता किस एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बाइनरी कोडिंग में दो ही कन्वर्जन होती हैं, एक तो नंबर को बाइनरी कन्वर्जन करना और बाइनरी को नंबर। बाइनरी में दो ही डिजिट काउंट होती हैं बच्चों, बाइनरी में दो ही डिजिट की बात होती है, जीरो और वन। ठीक है ना, नंबर सिस्टम बेसिकली यदि मैं आपको समझाऊं साइंस के बिहाफ से, तो नंबर सिस्टम चार टाइप का होता है, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर। ठीक है ना, चार प्रकार का कन्वर्जन होता है नंबर सिस्टम में, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर। ठीक है ना, केवल और केवल आपको जो क्वेश्चन आते हैं बाइनरी से आते हैं, आप इतना ध्यान रखिए बाइनरी में केवल दो ही नंबर काउंट होते हैं, जीरो और वन। ठीक है ना, अब जो नंबर 10 से छोटे होते हैं उन्हें डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे इस वाले नंबर का आपको बाइनरी कन्वर्जन करना है तो दो मेथड से कराऊंगा मैं आपको। फर्स्ट मेथड क्या है, जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, फर्स्ट मेथड बेसिक मेथड है जो इसका, क्या करते हैं उस नंबर को दो से डिवाइड कीजिए, 2, 4 जा 8 और रिमाइंडर राइट में लिखते जाइए, यहाँ पे बचे 0, 2, 2 जा 4 यहाँ पे बची 0, 2, 1 जा 2 यहाँ पे बची 0 और जब 1 बच जाए तो इस वाले 1 को यहाँ ले आते हैं। ठीक है बच्चों, और इस 1 को यहाँ ला के ये वाली कन्वर्जन नीचे से ऊपर लिख दीजिए आप। ठीक है, तो 8 जो होगा, 8 एक डेसिमल नंबर होता है, उसका जो बाइनरी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ 1000, यही इसका बाइनरी नंबर होगा। एक बार और समझा देते हैं हम आपको, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। सर 2 चौका 8, ये रहा रिमाइंडर, 0 0 0 और जब 1 आ जाता है तो लास्ट में वो 1 भी यहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये तो होता है बेसिक मेथड जो आज तक आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, एक आपको मैं बताता हूँ ट्रिकी मेथड, सेकेंड मेथड होता है इसका ट्रिकी मेथड। ट्रिक क्या होती है इसकी, जैसे कि ध्यान से समझिएगा सभी लोग, सेकंड मेथड क्या है इसका, ये उतार लिया होगा आपने, सेकंड मेथड दिखाते हैं आपको। देखिए सेकंड मेथड क्या है बच्चों, सेकंड मेथड ये है जिस भी नंबर का आपको बाइनरी नंबर बनाना है आप उस नंबर को यहां पे देखिए, जैसे यहां पे, तो यहां पे ये नंबर कहां रहा है सर, ये रहा, तो जो नंबर जहाँ पे आता है उसके सामने 1 लिख लीजिए और नीचे से ऊपर की तरफ चलिए एंड पॉइंट तक, ऊपर तक। और यदि किसी नंबर की ज़रूरत नहीं है, जैसे 8 था, 8 हमें यहाँ पे मिल गया, बाकी नंबरों की ज़रूरत नहीं है, सबके सामने 0 लिख दीजिए और यही आपका बाइनरी नंबर होगा। आगे बात समझ में, एक दो एग्जांपल और लेके बताते हैं हम आपको। ठीक है ना, जैसे कि आप एक नंबर और ले लीजिए, आपने लिया सर 19 का, बताइए 19 का बाइनरी नंबर बताइए इस वाले मेथड से। देखिए अब 16 हमें यहाँ मिल गया तो 16 के सामने 1 लिख लीजिए आप। ठीक है, 19 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है सर, 3 की, और 3 बनेंगे कहाँ से, 1 2 ये रहा, 1 ये रहा, तो सर इसके सामने भी 1 लिख लीजिए और इसके सामने भी 1 लिख लीजिए। तो सर जो बाकी बच्चे उसके सामने क्या है, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनके सामने 0 लिख दीजिए और नीचे से ऊपर लिख दीजिए नंबर। तो क्या लिखा जाएगा 19 का, 1 0 0 1 1, यही आपका बाइनरी नंबर। ठीक है, आ गया होगा समझ में। एक और नंबर ले लेते हैं, चलो 27 ले लेते हैं, ये बी था आपका, एक और ले लेते हैं सी, 27 इसका आपको बाइनरी नंबर बताना है।
ठीक, कैसे करेंगे इसको मिटा देते हैं हम अभी। 27 कैसे बनेगा, देखिए 16 और 4 20, 21 22 23, सर नहीं बन रहा, ठीक है ना। 16 और 8 24, 25 26 27, एक तो सर 16 हो गया, एक और एक सर 8 हो गया, 24 25 26 और एक ये सर 27। एक नंबर बचा जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसके सामने ज़ीरो लिख दीजिए और फिर ये नीचे से ऊपर लिख दीजिए। 1 1 0 1 1, यही आपका बाइनरी नंबर। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सर यदि 32 का कहता तो कैसे निकालते, तो देख लीजिए बच्चों 32 कहाँ पे है। यदि आपसे कहें 32 का बताइए, 32 का बाइनरी नंबर बताइए, तो सर 32 ये रहा 1। सर अब हमें ऊपर तक जाने के लिए किसी नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो सबके सामने ज़ीरो लिख दीजिए, 0 0 0 0, और नीचे से ऊपर लिख दीजिए 1 1 2 3 4, बाइनरी नंबर, यही आपका आंसर। तो ये बच्चों आपकी थी शॉर्ट ट्रिक, आगे बात समझ में सभी लोगों को आ गई होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से बाइनरी कन्वर्जन होती है। अब आपका आता है सेकंड कन्वर्जन, बाइनरी टू नंबर। बाइनरी टू नंबर कन्वर्जन कैसे करते हैं, कोई भी आपको बाइनरी नंबर दिया हो उसका नंबर में कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। ये भी बाइनरी टू नंबर सेकंड कन्वर्जन, सपोज आपको यही दिया हुआ था, 27 का ही लिख लेते हैं, 1 1 0 1 1, और इसका आपको बनाना है नंबर, ठीक है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लीजिए, ध्यान से सुनना बच्चों बहुत। इधर से स्टार्ट कीजिए आप, इधर से ऐसे ऐसे चलना है आपने। ये वाला नंबर लीजिए, 1 × 2 की पावर 0, ठीक है। इधर से ऐसे चलना है, प्लस ये वाला नंबर 1 × 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 0, यहाँ 2 की पावर 1, ये वाला नंबर ये रहा, प्लस का निशान 0 × 2 की पावर 2, प्लस 1 3, प्लस 1 × 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 की मल्टीप्लाई एक में करेंगे, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया आपका 27, यही आपका आंसर। कुछ भी नहीं करना बच्चों आपको, आपने राइट से लेफ्ट तक चलना है, ये नंबरों को लेना है किसके साथ, 2 की पावर के साथ। जैसे सर ये वाला नंबर है 1 × 2 की पावर 0, सेकेंड नंबर 1 × 2 की पावर 1, थर्ड नंबर 0 × 2 की पावर 2, फोर्थ नंबर 1 × 2 की पावर 3, फिफ्थ नंबर 1 × 2 की पावर 4, बस उसको जोड़ के लिख देना है, यही आपका बाइनरी से नंबर सिस्टम कन्वर्टिंग मेथड है, ठीक है बच्चों। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो बच्चों ये है टाइप 8, जिसमें आपका बाइनरी कोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन है क्या। एक निश्चित भाषा में 0 को $, 1 को @, 2 को @$, 3 को @, 4 को @$, लिखा जाता है, तो बताइए इसी भाषा में 6 को क्या लिखा जाएगा, 35 को क्या लिखा जाएगा। एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आप करेंगे कैसे, सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए इसका, ध्यान से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ए है आपका 6 दिया हुआ है, तो बच्चों सबसे पहले आप 6 का बाइनरी कोड बना लीजिए। क्यों, क्योंकि बाइनरी कोड में केवल और केवल आपको 0 और 1 की ज़रूरत होती है, केवल और केवल दो ही कोड की ज़रूरत है जिसका नाम है 0 और 1, बस इन्हीं कोड से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 6 का बाइनरी कोड क्या होता है सर, 2 की पावर 0 1,
टू की पावर वन टू, टू की पावर टू फोर। ठीक है बच्चों, बस यहीं से बन गया, क्योंकि फोर के आगे एक लिख देंगे, इसके सामने भी एक लिख देंगे और इसके सामने ज़ीरो नीचे से ऊपर, तो सिक्स का बाइनरी कोड बन जाएगा 110। ये अभी अभी हमने आपको बताया ये चीज़। ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर यदि बाइनरी में दिया हुआ है तो यही हो जाएगा, यदि सिंबल में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये लीजिए वन को क्या कहते हैं बच्चों, डॉलर, सॉरी एट द रेट, एट द रेट और डॉलर, यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, क्या करा सर आपने, सबसे पहले छः को बाइनरी में चेंज किया, उसके बाद बाइनरी में केवल दो ही कोड होते हैं, ज़ीरो और वन, बाकी सारे कोड आपको क्या क्यों दिए हुए हैं सर, कंफ्यूज़ करने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, बी पार्ट क्या है बच्चों आपका, सर 35 का निकलवा रहा है, 35 को सबसे पहले किस में चेंज करना है बच्चों, सर बाइनरी में, बाइनरी में चेंज कर लीजिए, टू की पावर ज़ीरो वन, टू की पावर वन टू, टू की पावर टू फोर, टू की पावर थ्री एट, टू की पावर फोर 16, टू की पावर फाइव 32। ठीक है बच्चों, तो 32 के सामने एक तो एक लिखा जाएगा, और 32 में कितना जोड़ के 5 आ जाएगा सर, 3 जोड़ के, एक यहाँ पे लिखा जाएगा वन, एक यहाँ पे, बाकी सारे ज़ीरो। ठीक है, तो लिखा जाएगा इसका बाइनरी कोड 1 नीचे से ऊपर तक, 100011, 100011, यही आपका इसका बाइनरी कोड हो गया। ठीक है बच्चों, आंसर यदि बाइनरी में दिया हुआ तो बाइनरी में लिख लीजिए, अदरवाइज एट द रेट डॉलर डॉलर डॉलर, सॉरी हम बार बार वन को एट द रेट लिख देते हैं, जबकि वन का सॉरी एट द रेट ही है, एट द रेट डॉलर 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 एट द रेट, एट द रेट, यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन का आप कोड बना लीजिए, बहुत सिंपल कोड है, एट द रेट का क्या है बच्चों, वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन, बाइनरी में ही आंसर होगा आपका। सर यदि इस बाइनरी नंबर को ये संख्या में बदलवाएगा तो कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया है कैसे करेंगे, वन मल्टीप्लाई टू की पावर ज़ीरो प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई टू की पावर वन प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई टू की पावर टू, इस तरीके से करते चले जाएंगे, और ये आपका नंबर में हम आपको बता देते हैं कितना बैठेगा, 169। ठीक है, डी डी क्या है, डी डी को भी सॉल्व कर देते हैं, एट द रेट डॉलर एट द रेट एट द रेट, क्या होगा इसका, एट द रेट का क्या होता है, 1011, ये बाइनरी हो गया इसका, और इसका तो मेरे ख्याल से अभी निकाला है 27, और ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है, सॉरी 11 हो जाएगा ये आपका, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 0, 2 की पावर 3, यहाँ ठीक है 11 ही आएगा इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आने वाले हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, उसको आपको खुद करके लाना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम ये सारा मिटा के, एक निश्चित भाषा में ज़ीरो को एंड और वन को स्टार लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तब आपको तीन क्वेश्चन बताने हैं, पहला स्टार स्टार एंड एंड का कोड क्या होगा, सेकंड बता स्टार एंड स्टार स्टार एंड एंड, और ये नंबर में कन्वर्ट करने हैं, बाइनरी तक नहीं छोड़ना, इनको नंबर में कन्वर्ट करना है बच्चों, और सी है आपका 78 का कोड बताना है। कैसे करेंगे बच्चों इसको,
सर इस 78 को पहले बाइनरी में चेंज करेंगे, बाइनरी में 0 और 1 के रूप में लिखेंगे और वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन एक आपको होमवर्क के लिए है जो आपको करके लाना है, और ये वाला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग आज आपका ख़त्म होता है यहीं पर। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश की है बच्चों आप लोगों को। 8 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इसमें भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन हो गए आपके, इससे पहले भी मैंने आपको 3 करा दिए। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको टाइप 6 कराया है चाइनीज़ कोडिंग, टाइप 7 कंडीशनल कोडिंग, टाइप 8 बाइनरी कोडिंग। ठीक है बच्चों, ये तीनों ही बैंकिंग के लिहाज से और आपके DSSB के हिसाब से, यूपी पुलिस के SI के एग्ज़ाम के हिसाब से और दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही टाइप। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, और बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बच्चों, आज के लिए थैंक यू।